हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने मेहंदी कोन कैसे बनाना है, मेहंदी की पेस्ट कैसे बनानी है प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस किस पर करनी है। ये लैमिनेशन शीट जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रोज़। तो आपने आई होप ये आपने लैमिनेशन शीट बनवा के ली होगी। तो सबसे पहला दिन जो क्लास में, हर एक मेहंदी क्लास में सबसे पहला जो दिन होता है उसमें आपको स्ट्रेट लाइंस ही सिखाते हैं, तो आज भी हम स्ट्रेट लाइंस ही सीखने वाले हैं। अगर आपको प्रोफेशनल परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये स्ट्रेट लाइंस आने बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही नहीं आते हैं, वो दिखते आसान है लेकिन जब निकालोगे तब समझ में आएगा कि परफेक्ट हर एक लाइन एक के नीचे एक बिना टूटे एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। मैं जिस तरीके से निकाल रही हूँ, मैं कोन उठा के फिर छोड़ रही हूँ। अभी मेरी लाइन जो टूटी हुई है वो एकदम धीरे से मैच करनी है। अगर वो मैच करते टाइम आप बहुत ज़्यादा मेहंदी प्रेस करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। ऐसे अगर टूटी लाइन तो इस तरीके से उसको जॉइंट करो कि उसका जॉइंट दिखे ना, वो लाइन ख़राब ना दिखे। ठीक है, मैं जिस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन्स बना रही हूँ उसी तरीके से आपको भी तब तक बनानी है जब तक आपकी ऐसी स्ट्रेट नहीं आती। बनाते जाओ नीचे। ठीक है, अभी ये स्लीपिंग लाइंस हो गए, अब हम स्टैंडिंग लाइंस सीखेंगे। देखिए ये भी मेरी बिल्कुल नहीं टूटी। टूटी भी तो ऐसे जॉइन करना है कि उसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइंस भी बनाते जाना है। कब तक बनाना है? जब तक आपकी इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं आती तब तक बनाना है। और टूटने नहीं देना है, हो सके उतना कांस्टेंट प्रेशर रखो कोन पे और कंटिन्यूस प्रेशर के साथ लाइंस बनाओ। देखिए मेरा प्रेशर बहुत कांस्टेंट है। अगर ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो मेहंदी ज़्यादा गिरेगी, कम प्रेस करोगे तो मेहंदी की जो लाइन है वो टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट प्रेशर रखना है आपको मेहंदी कोन के ऊपर, उसकी वजह से लाइन आपकी बहुत सॉफ्टली और बिना टूटे बिना खराब हुए आपकी लाइन बहुत एकदम स्ट्रेट आ जाएगी आपके मेहंदी कोन से। इस तरीके से आपको बनाना है। अभी ये मैंने जो स्लैंटिंग लाइन बनाई है वो ऐसे लैमिनेशन पेपर को घुमा के नहीं बनाना है। ठीक है, पेपर सीधा ही रखना है तभी उसको स्लैंटिंग लाइन बोलेंगे। इसे पेपर सीधा रख के ही आपको क्रॉस लाइन्स बनाने हैं। घुमाओगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा स्लैंटिंग लाइन बनाने का, राइट? ऐसे पेपर सीधे रख के हाथ क्रॉस में ले जाके आपको वो बनाने हैं। पेपर आपको वो पूरा घुमा के सीधे सीधे लाइंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चार जो लाइंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो फर्स्ट डे में मैंने खुद के क्लास में भी यही सीखा है और मैं यही सब सिखाती हूँ। ठीक है, ये चार लाइंस आपको प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक कि स्ट्रेट नहीं आते। ऐसे बिल्कुल नहीं आने चाहिए क्रिस क्रॉस, और टूटनी नहीं चाहिए, और ऐसे ज़्यादा प्रेस करोगे तो ऐसे मेहंदी निकल आएगी बाहर। ठीक है, ये देखो, कम प्रेस करोगे तो टूट जाएगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कैसा करना है? एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए लाइंस। स्टार्टिंग में आपका वो नीचे है वैसे ही होगा, उसके बाद आपको ये देखो मैंने अभी ये क्लीन किया, राइट? ऐसे आप पेपर पे क्लीन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला कि लैमिनेशन शीट पे करना है ताकि आप ऐसे क्लीन भी कर सको अगर कुछ गलत हुआ तो। आपको एक ड्राइंग बुक लेनी है। लैमिनेशन पे तो आप प्रैक्टिस करो ही, जब आपको परफेक्ट शेप्स आने लगे तो वो आप ड्राइंग बुक में ऐड करते जाओ, ये लाइंस बॉक्सेस पूरा शेप्स, ताकि उसे क्या होगा कि आपकी एक प्रॉपर मेहंदी क्लास की बुक बन जाएगी। ये लैमिनेशन तो आप धो दोगे डिज़ाइन निकालने के बाद, तो ड्राइंग बुक में आपका पूरा क्लास रहेगा। तो लैमिनेशन पे प्रैक्टिस करो और ड्राइंग बुक में फेयर करो। ठीक है, अभी मैं जो लाइंस बना रही हूँ ना वो स्टैंडिंग लाइंस है, और इसके ऊपर हमको स्लीपिंग लाइंस बनानी है। उससे क्या होगा कि बॉक्स की डिज़ाइन बनेगी, बॉक्स की डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ आए, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको वो सिंगल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। सिंगल लाइन परफेक्ट आ जाए तो उसके बाद आपको दो लाइन मिला के ऐसे बॉक्स बनाने हैं।
बॉक्स बनाते हुए भी लाइन ऐसे टूटनी नहीं चाहिए, बॉक्सेस ख़राब होने नहीं चाहिए। देखिए हाँ, इस तरीके से ख़राब बॉक्स बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। अगर आपके बॉक्स ऐसे दिख रहे हैं तो आप बहुत प्रैक्टिस करो, और जैसे मेरे पहले वाले दिख रहे हैं ना, वैसे ही आपके भी अच्छे से दिखने चाहिए। ऐसे दिखने लगे अच्छे से तो आप वो ड्राइंग बुक में ट्रांसफ़र करो, मतलब उधर आपको फेयर करना है। अगर आपको ऐसे ओपनली बॉक्सेस बनाना थोड़ा हार्ड हो रहा है ना, तो आप ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स बना लो, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करो। इसके अंदर ये मैंने खुले में किया, अभी ये मैंने बॉक्स में आपको एक प्रैक्टिस करके मैं बताती हूँ। बॉक्स में इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ओपन में नहीं करना है तो आप ड्राइंग बुक में ऐसे बॉक्सेस बना के उसमें ये सारे बॉक्सेस डिज़ाइंस ऐड करो। सबसे पहले सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन के प्रैक्टिस करो, उसके बाद दो लाइन मिला के ऐसे बॉक्स की प्रैक्टिस करो। तब तक करनी है जब तक वो बॉक्स परफेक्टली नहीं आ जाते। देखिए ये पूरा ऐसे बॉक्स आपको फिल करना है। मैं अभी पूरा फिल नहीं करूँगी, अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी। ये दोनों हो गए हमारे बॉक्स, अभी ये दोनों लाइन को मिला के हमको एक बॉक्स बनाना है। जब तक आपके बॉक्स परफेक्ट नहीं आते तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे फिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको वो बॉक्स पूरा फिल करना है, बराबर स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर का शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। अभी मैं स्लैंटिंग लाइन बना रही हूँ, एक साइड से बना रही हूँ, उसके बाद दूसरी साइड से बनाऊँगी। उससे क्या होगा कि हमारे क्रॉस बॉक्स भी रेडी हो जाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी परफेक्टली हो जाएंगी। हाँ देखो, अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बराबर बीच में स्क्वायर बन रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल भी शेप ख़राब नहीं हो रहा है, बराबर बीच में स्क्वायर बनना चाहिए। अगर लाइन टूटी भी तो आपको ऐसे जॉइंट करना है कि उसमें उसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। देखिए बीच में बराबर स्क्वायर बन रहा है ना, उसी तरीके से आपका भी बनना चाहिए। ये दो बॉक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, जब आप ट्राई करोगे तब आपको समझ में आएगा। फिनिशिंग के साथ जब तक नहीं आता तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए बराबर स्क्वायर है ना मेरा, बीच में बराबर स्क्वायर बनना चाहिए। अभी आप की गलतियाँ क्या होंगी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये इस तरीके से 90 डिग्री बन रहा है क्या शेप? नहीं, देखिए अलग ही बन रहा है स्क्वायर, ये 90 डिग्री नहीं है, राइट? इस तरीके से बराबर 90 डिग्री में आने चाहिए ये क्रॉस लाइंस, बराबर 90 डिग्री ऐसे नहीं आने चाहिए, ठीक है? ऐसे आ रहे तो आप फिर से प्रैक्टिस करो, और ऐसे 90 डिग्री में आने चाहिए। और क्या गलती होंगी आपसे? स्ट्रेट लाइन बराबर उसको इंटरसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर एकदम, हो गया बराबर 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरीके से आपको ये लाइन की प्रैक्टिस करनी। सीधी लाइन की प्रैक्टिस ईजी है, यही थोड़ा सा हार्ड होता है निकालने में। कभी कभी ऐसे ना स्ट्रेट आने की जगह आपकी लाइंस ऐसे राउंड राउंड में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे राउंड राउंड में आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, एकदम सीधी। ये जो गलतियाँ होंगी ना आपकी, होंगी ज़रूर होगी, क्योंकि मैं क्लासेस में सिखाती हूँ तो ये सब गलतियाँ होती ही हैं। अभी वो चार लाइन की प्रैक्टिस होने के बाद हमको ये जिगजैग वाली लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये भी मेहंदी में बहुत सुंदर दिखती है। अभी मैं जो जिगजैग लाइन बना रही हूँ ना, वो भी आप क्रॉस, स्ट्रेट, स्लीपिंग इस टाइप के पूरे एंगल से बना के देखो। आपका हाथ हर एक एंगल में एकदम सॉफ्टली मूव होना चाहिए, इसी से आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी। ये भी मैंने चारों तरीके से ये लाइन भी आपको बना के दिखाई है। ये लाइन का शेप कैसा है? यस टाइप का, राइट? मैं उल्टे सीधे वी, राइट, उल्टा सीधा जो वी का शेप है ना, उल्टे सीधे उस तरीके से बनाना है। वो कंटिन्यू यस बनाया हमने, अभी ये उल्टे सीधे वी बनाने हैं, उल्टे सीधे वी। ये भी सारे एंगल से आपको ट्राई करने हैं, ताकि आपका हाथ एकदम सॉफ्टली चले हर एक एंगल में।
ये हो गया वी वाला शेप, और ये हो गया कंटिन्यूस हमने एस टाइप की जो लाइन है वो बनाई, यस 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 ऐसे। अभी एक और एक है तीन जो होते हैं उसका उल्टा, तीन का उल्टा ऐसे आपको कंटिन्यूसली तीन 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 बनाते जाना है। ये जो तीन है ना ये हमको यूज़ होगा शेडिंग में, तो आपको ये सब अवॉइड नहीं करना है, हर एक की प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। इसका पूरा जो नॉलेज है मैं आपको आगे चल के आपको समझ में आएगा कि ये हमने क्यों सीखा था। अभी जो उल्टे सीधे हमने वी बनाए थे उसमें हमको बनाने हैं बॉक्सेस, जैसे कि पहले बॉक्सेस बनाए, ये स्लैंटिंग बॉक्सेस है, स्लैंटिंग लाइन के जैसे हमने क्रॉस बॉक्सेस बनाए थे उस तरीके से ये बॉक्सेस है। ऐसे ऐसे टाइप का एक बनाना है और सीधे टाइप का एक बनाना है, ये स्टैंडिंग टाइप का और ये स्लैंटिंग टाइप का। अभी इस पे मैं स्लिपिंग लाइन बना रही हूँ, तो ये दो टाइप के बॉक्सेस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी जो वो उल्टे तीन वाली मैंने जो लाइन बताई थी उसका यूज़ मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कहाँ पे यूज़ होगा वो। इस तरीके से ये तीन 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 बना के शेडिंग होती है, इससे ये शेडिंग वाला पार्ट हम बाद में सीखने वाले हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। आ गया समझ में कैसे शेडिंग हो गई उससे, ये उल्टे तीन और ये सीधे तीन, और उसको डार्क बॉर्डर जब करोगे ना वो शेडिंग के जैसा दिखेगा। आ गया समझ में, ऐसे तीन तीन उल्टे या फिर सीधे बनाओगे तो वो शेडिंग में यूज़ होगा। और जो यो यस वाले लाइन आपको बनाए थे यस यस बना के, तो वो आगे चल के इस तरीके से यूज़ होंगे, इसलिए आपको वो अभी से बताया हुआ है क्योंकि आपका हाथ सॉफ्टली चले अभी से। लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप सिर्फ वो सारे लाइंस की प्रैक्टिस करिए, शेडिंग और ये जो अभी मैंने लास्ट में निकाला उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी। अभी मैंने जो लाइंस बताए हैं बॉक्सेस बताए हैं उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।